这边治疗下去。Keep dead can carry carvain a GST power. This double burning da jada kai sala da latka da rahe mudda oh solve ho jayega nahi. Keval bevkoof banona se vidhan sabha da 70 crore rupaye da karja. Aaj Punjab te chadhya ve aaj 1 crore rupaye da kharcha aaj hor hoya hai. 70 bulaya janda hai opposition vaste ore sunav lain vaste. ना कि चुने हुए लोग जेडे ऑलरेडी पार्टी दे मेंबर ने जेडे कानून बना रहे ने जेडे फैसले ले रहे ने उन्होंने नहीं बनाया जा रहा असी एरे विच कमियां कढ़नियां खड़े होके ते सरकार दा काम होंदा कि ओपोजिशन नूं सुन के उन्हां कमियां ते क्वेश्चन मार्क ला के अगले दिन आके कहण कि बाजवा साहब रंधावा साहब असी एरे विच सुधार कर लिया थोड़े सजेशन दे मुताबक ए नहीं जी चक दिओ फटे कर दियो बाहर मैनू फैसला लेना पऊगा तुसी मालिक को ले लो फैसला जो लेना है ठीक है खेरा साहब ने मैं मोशन भी मूव किया कि अगर स्पीकर साहब कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहते हो बखाओ दोबारे बखाओ पंजाब की जनता नू भंग करो पंजाब की विधानसभा चुनाव लड़ांगे नाले थोनू पता लग जूगा भी कांग्रेस खत्म हो गई है कि झाड़ू खत्म हो गया है पता लग जूगा रैलिया कौन है भी पता लग जाएगा असी तां कहा जो फाइनेंस मिनिस्टर नूं यह पता है भी पैसे पंजाब दे विच आए पए आ खरीदने वास्ते फड़दा क्यों नहीं बई फिर एफ आई आर च किसी का नां क्यों नहीं फिर नंबर क्यों नहीं ये सारे का सारा काम लोगों नूं बेवकूफ बनाउण वास्ते और तमाम चीजा तो नजर हटाउण वास्ते तमाम मुद्दों तो एक्चुअली तो जेड़े मुद्दे ने उन्हां तो नजर हटाउण वास्ते यह कीता गया ये ऐसी स्क्रिप्ट लिख के लिया है फिल्म स्टोरी ऐसी रचते हैं साडे दे परचा देता वो अंकित सक्सेना तो चक के असी कागज लाया कोई इनक्वायरी नहीं की साडे ते परचा तां दिता कि पंजाब दे लोग डर जान कोई खबर ना कोई ऐसी गल ना असी कदे निजी वार नहीं किते ना असी निजी वार च विश्वास रखते हैं नहीं तो हरेक एमएलए के खिलाफ निजी वार तो बथेरियां गल्लां है साडे पिता समान सी अज उगो को दे उगो के साहब दे पिता बेशक किन्ना हालात च उन्हां दी मौत हुई है ए मालिक जानता जा वो जानते हैं लेकिन असी साडा फर्ज बनता है कि जे एमएलए का पिता है वो साडा भी बाप है हालांकि मीडिया के राही सानू पता लग्या कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की सी सल्फाज खाली सी परमात्मा उन्होंने आत्मा नू शांति देवे असी किसी के निजी मसले च नहीं पैना चाहते असी तो कहने हरेक का मां बाप भावे दुश्मन है वह हसदा वसदा रहे ते तुसी कोई गल हुंदी है तुसी कांग्रेस नूं इस तरह बना दिंदे हो कि हो गया असी 18 आए हां पिछली वारी तुसी 18 सी मैं उन्हां दोस्तां नूं कहना चाहुंदा है जिहड़े साडे कोले समय समय आउंदे हुंदे सी काम वास्ते भी वैसे भी एक भाईचारा सी इस गल नूं ना तोड़ो हां मुद्दे ते गल करो डिस्कशन दा मौका दिओ हर बंदे नूं आपदी गल करन दा हक होना चाहिए एक मुद्दा सारे मुद्दों से रोक ला दी थोड़े ते जमीन तुसी खोण गए आप तमाशा किया अज वह भी जिहड़ी पॉलिसी है उहदे ते और नहीं उहदे ते स्टे हो गया आटा दाल स्कीम ते थोड़ी ते स्टे हो गया माइनिंग पॉलिसी ते थोड़ी ते स्टे हो गया बिजली ते गल करदे हो करो बिजली ते गल किहड़े जीरो मीटर लई फिरदे हो दसांगे असी बहस करन दा मौका दिओ खुल के समा रखो ये नहीं भी तीन मिनट बोलूगा फलाना दो मिनट बोलूगा फलाना प्रताप सिंह बाजवा घंटा बोले चीफ मिनिस्टर सवा घंटा बोले उन्होंने एमएलए 30 मिनट बोले सानू 25 दो फिर दुध का दुध ते पानी का पानी पंजाब की जनता इस विधानसभा के राही थोड़े कैमरिया के राही चानण पावांगे कि पंजाब हो की रहा वो डीसीपी कुट दिता
ते सदके जाइए पंजाब पुलिस ते डीसीपी साडे राज कोई होमगार्ड का बंदा नहीं कुटिया गया। बेशक असी भी मुद्दे कई रिजोल्व नहीं कर सके, ऐसे इशू सन, बगराड़ी इशू है। अजो साडे आला कहिंदे मॉक सेशन लाउण आया सी जिहड़ा पुराना भूपा, वो उत्थे भी नहीं आया। हाँ भज गया। मेरे कहने का मतलब ऐसे इशू सन, असी इस करके बाहर बैठे असी कहने उन्हें इतने मता लैके आओ कि जेड़ा पहला एज ए चीफ मिनिस्टर इतने भी नहीं आता रहा, अज भगौड़ा होकर दूसरी पार्टी च गया, ओनू पोलिटिकल सीन चो वक्त कर ली, पता लग जांदा ओनू जेड़ा पोलिटिकल असाइलम दिता बीजेपी ने वो खत्म कर दिता। माइनिंग दा है इहदे ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे, कह दिता गया साडे कोल इह लोकां दी जनता नू कहता, इस इश्तिहार राही आम जनता नू सूचित कीता जांदा कि पंजाब सरकार माइनिंग दे ज्वाइलॉजी डिपार्टमेंट अधीन पैंदिया खड्डा साइड ते स्टाक जाड़ उपर इना इना रेता है, इन्होंने ओए दसांगे। मेरे कहने का मतलब इन्होंने मुद्दों ते डिस्कशन सीगा। अज राजस्थान कंध प्लास्टर करने वास्ते तुसी पत्रकार हो, वह गरीब बंदा दी कंध प्लास्टर करने वास्ते राजस्थान तो रेता लेके आ रहा है, हिमाचल तो रेता आ रहा है, रॉयल्टी ला दी है। इन्हों मुद्दों से गल करनी है, करप्शन से गल करनी है। मेरी बेनती है ये उही काम, यही काम हो रहा है। स्पीकर मेरे नाल है, तुसी उही इशारियां ते जान बुझ के पर चलो हद तो बाहर जा रहे ने। चलो चलो मैं ठीक है, सब सब साथियों ने बोलना है। मेरी बेनती है, मेरी बेनती है पंजाब के लोगों को हाथ जोड़ के बेनती है सरकार कि यार इस तरह ना करो। ऑपोजिशन का सैशन हुंदा है, सदियां तो हुंदा आया है, साडी तुसी गल सुननी है, विचार करनी है, गौर फरमाना है ते स्कीम अगे लेके आनी है, ना कि सानू धक्के नाल बाहर कढ़ना है। स्पीकर साहब दोबारा फिर मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवादी है कि तुसी मैनू बोलन का मौका दिता ते मैं पंजाब दे लोकां दे सन्मुख भखदे मुद्दियां दी अज गल कीती। जे कल विधानसभा च मौका ना मिलिया तां दोबारा फिर चाहूंगा कि तुसी सानू इत्थे मौका दिओ जो तां जो असीं आपदी गल रख सकीए। धन्यवाद।